मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों आज की जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, ये बहुत ही छोटी सी एक जानकारी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसमें ना तो आपको पूजा करना है, ना पाठ करना है, ना तंत्र, ना मंत्र, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी को करने के बाद में आप अपनी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वैसे तो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी होती है वो है धन की। तो आप जिस भी चीज का विचार करके इस रेमेडी को करेंगे, वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। और साथ में आपके इस रेमेडी को करने के बाद में तीन ग्रह जो हैं आपको शुभ फल देने लगेंगे। गुरु जो होते हैं धन के कारक होते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, बरकत करते हैं। ये आपके जुपिटर कंट्रोल हो जाएंगे, मजबूत होंगे। मंगल जो होते हैं ये शक्तिवर्धक होते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां दूर करते हैं, धन संबंधित परेशानियां दूर करते हैं। और तीसरा चंद्र, चंद्र जो होते हैं मन का कारक होते हैं। जिसके चंद्र मजबूत होते हैं उसका मन हमेशा कंट्रोल में रहता है। मन कंट्रोल है तो सब कुछ अच्छा है। अगर मन शांत नहीं रहता है तो हम किसी भी कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो एक छोटा सा मैं उपाय आपको बताऊंगा। इस प्रयोग का आपको सिर्फ 9 मंगलवार तक करना है। छोटा सा प्रयोग है, 9 मंगलवार यदि आपने इसको कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी और धन से संबंधित परेशानी तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में ज्यादा परेशान रहते हैं या भूमि संबंधित परेशानियां रहती हैं, प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां रहती हैं, तो उसके लिए इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की जरूरत है, उस तक जानकारी को जरूर पहुंचाइए। आपको करना क्या है दोस्तों, मंगलवार के दिन में आपको अनार, अनार को यदि देखा जाए तो अनार एक फल है लेकिन ये हेल्थ में देखा जाए, हेल्थ की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही पावरफुल है। अनार फल जो होता है दोस्तों, काफी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अनार फल की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आप लोग सभी जानते हैं श्री मां काली जब रक्त बीज का वध कर रही थी, रक्त बीज जो है उसकी एक बूंद भी जब धरती पर गिर रही थी तो हजारों रक्त बीज पैदा हो रहे थे। तो माता रानी ने क्या किया था, मां काली ने खप्पर में रक्त बीज के सिर को काटते जा रही थी और खून को पीती जा रही थी। और जब वो खून जब पीती जा रही थी तो उनके जो दांत थे वो रक्त दंतिका हो गए थे, यानी कि रक्त के समान लाल और सफेद। और उनके दांतों से जो खून धरती पर गिर रहा था वहां से अनार वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए अनार वृक्ष जो है बहुत ही पावरफुल है, तंत्र मंत्र की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से। तो अनार वृक्ष को, अनार फल को आप साधारण ना समझे, बहुत ही पावरफुल है। ये सभी ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है। तो मंगलवार के दिन में क्या करें, तीन अनार ले। तो मंगलवार के दिन में क्या करना है आपको, तीन अनार लेकर के आने हैं, ठीक है। मंगलवार में तीन अनार लेकर के आए और इनको किसी शिव मंदिर में दान करना शुरू कर दें, शिव मंदिर में चढ़ा करके आ जाए। अनार छोटे साइज में भी हो सकता है, बड़े साइज में भी हो सकता है। बस आपको तीन की क्वांटिटी में अनार लेने हैं, लेकिन आपको 9 मंगलवार तक कंटिन्यू करना है इस प्रयोग को। अब आपके पास यदि आसपास ऐसा आपको लगता है कि कहीं पर शिव मंदिर नहीं है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इन्हीं तीन अनार को क्या करना है आपको, छील करके इनके छिलके निकाल लेने हैं। छिलके अलग रख लेंगे और जो दाने निकलते हैं इन्हें छोटे बच्चों में आप दान कर दीजिए। सिर्फ 9 मंगलवार तक इस प्रयोग को आप करिए। इस बार में इसके रिजल्ट देखिए, आप हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट देख के। और एक काम और करें दोस्तों कि मंगलवार के दिन में एक अनार लेकर के आए, ठीक है। आप जो दान करेंगे ये अलग रेमेडी है, ये आपके मंगल को मजबूत करेगा। मंगल से संबंधित यदि आपके बर्थ चार्ट में मंगल आपका कमजोर है तो आपके मंगल को मजबूत करेगा। और जो दूसरा मैं प्रयोग बता रहा हूं, इससे आपके गुरु, चंद्र और मंगल ये तीनों मजबूत हो जाएंगे। और ये तीनों मजबूत होंगे तो जिंदगी में पैसों की आर्थिक तंगी आपको कभी नहीं आएगी। तो मंगलवार के दिन में क्या करें, एक अनार लेकर के आए, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको छील करके आपको इसके जो दाने होते हैं इनको निकाल करके बच्चों में बांट देना है। इनको आपको खाना नहीं है, याद रखना है आपको, आप इनके दानों को खाएंगे नहीं। और इनके छिलके जो होंगे
इनके छिलकों को आपको सुखा लेना है, छांव में सुखाएं, धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि इसकी खुशबू उड़ जाएगी, इसकी खुशबू ही यहां काम करेगी। तो इन छिलकों को क्या करेंगे आप, छांव में सुखा लेंगे, 6-7 दिन 8 दिन जितने दिन में सूख जाए। जब सूख जाता है तो आप इसको क्या करेंगे, कूट करके इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर, मिक्सी में कर सकते हैं आप, इसका एकदम बारीक आपको पाउडर बना लेना है। ठीक है, पाउडर बन जाता है, इसको किसी चीज में आपने क्या करना है, अब किसी चीज में इसको भर करके रख लें। अब यदि 1 चम्मच की क्वांटिटी में आपका ये है क्या बोलते हैं आपका अनारदाने का जो अनार के छिलके का जो पाउडर है, तो उतनी क्वांटिटी में आपको हल्दी मिला लेना है, दोनों की सेम क्वांटिटी कर लेनी है। ठीक है, और किसी चीज में आपको भर के रख लेना है। अब मंगलवार के दिन से इस प्रयोग को आपको शुरू करना है कि जब सुबह में आप स्नान वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, स्नान करने के बाद में थोड़ी सी क्वांटिटी में जरा सी चुटकी भर, ठीक है, आपको थोड़ा सा वो पेस्ट जो है हल्दी का और अनार के छिलके का जो पाउडर है इसको किसी चीज में निकालें, इसमें से 2-4 बूंद आप क्या करें, थोड़ा सा 2 बूंद डालें, सिर्फ 2, क्योंकि चंद्र का जो अंक होता है वो 2 होता है, तो 2 बूंद इसमें आप दूध डाल दें और अनामिका उंगली से इसका पेस्ट बना लें, पेस्ट बना करके अपने माथे में इसका तिलक कर ले। ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव कर देगा। आप जो भी चीज, अब आप इस चीज को जब लगाएंगे, तिलक करेंगे, तो आपको क्या चीज चाहिए, किस चीज की नीड है आपको, आपको पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ग्रोथ चाहिए, या जो भी चीज आप चाहते हैं, उस चीज को आप जो भी विचार करेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये तिलक करेंगे तो उस समय आपको जिस भी चीज की नीड है, जो भी चीज आप चाहते हैं, तो उस चीज को आपको सोचना है, वही चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होगी। पैसे के संबंधित परेशानी है वो सोच सकते हैं आप, और नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव थॉट्स ही रखना है, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा और जो चीज आप सोचेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी। और एक चीज का इसमें सावधानी आपको रखनी है कि आप जब रात में सोने जाने लगते हैं तो आपको इस तिलक को उतार देना है, मुंह वगैरह साफ कर लें, क्योंकि जब तक ये तिलक रहेगा आपका आज्ञा चक्र जो है ये एक्टिव रहेगा, और ये एक्टिव रहेगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, नींद लेने में परेशानी होगी, डिस्टर्बेंस होगा। तो रात में सोते समय इस तिलक को, कभी भी कोई भी तिलक करते हैं तो रात में सोते समय तिलक को माथे से उतार देना चाहिए, सोते समय माथे में तिलक नहीं रहना चाहिए। तो ये छोटा सा प्रयोग दोस्तों करके देखिए, बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपके 3 ग्रह मजबूत हो जाएंगे, जुपिटर, मून और साथ में आपका मंगल, ये 3 ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।